इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। आजाद नगर पुलिस के द्वारा नाबालिग बच्ची की मौसी के घर पर हवाई फायर करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जिंदा कारतूस सहित एक देशी पिस्टल बरामद की गई है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड्स भी पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले में एसीपी आशीष पटेल के मुताबिक आजाद नगर थाना क्षेत्र के मुसाखेड़ी में एक राज नामक युवक जो कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा हवाई फायर कर सनसनी फैलाई गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और हवाई फायर करने वाले व्यक्ति का कई किलोमीटर तक पीछा कर उसे गिरफ्तार किया। युवक की जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि एक नाबालिग बच्ची को लेकर वो यहां पहुंचा और उसकी मौसी के घर के बाहर हवाई फायर किया, जिसमें पुलिस ने मौके से खाली गोली का खोखा बरामद किया और युवक के पास से एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। थाना आजाद नगर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर परसों के दिन एक फायर होने की सूचना मिली थी मूसाखेड़ी के पास में। जब पुलिस ने इसकी तस्दीक की तो वहाँ पर से एक बुलेट भी मिली और एक लड़की है जिसको लेकर राज गोयल करके एक लड़का है जो थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में रहता है, वो यहाँ पर आया था और लड़की के साथ चूंकि वो कहीं पर काम करता है उसे पसंद करता था तो इसलिए उसने बात करने के लिए उसे कहा था, लेकिन उसकी मौसी द्वारा उसको मना किया गया। इस बात को लेकर वो उसका कहना है गुस्से में था और उसकी मौसी पर फायर करने आया था। अभी शुरुआती दौर में ये सामने आया है क्योंकि लड़का शादीशुदा है और लड़की नाबालिग है, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे और चूंकि उसकी मौसी द्वारा उसको मना किया गया तो ये बात उसको पसंद नहीं आई थी। क्योंकि अभी राज के बारे में और भी इसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, वो किन किन गतिविधियों में लिप्त रहता है, वो गतिविधियाँ की उसकी जाँच करवाई जा रही है, अन्य थानों से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, तो भी थोड़ा जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती दौर पर लड़की का मामला इसमें सामने आया है। अभी चूंकि जिसकी बाइक लेकर आया था, चूंकि पुलिस ने भी जब इसका पीछा किया और इसे पकड़ने प्रयास किया तो उसमें भी ये गिर गया था और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके पास से अभी तो पेपर नहीं मिला, लेकिन उसका कहाँ से वो लेकर आया था इसकी जाँच अभी पुलिस टीम कर रही है। We'll be right back.